सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम आसानी से गाजर का हलवा बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गाजर का हलवा तो बहुत पसंद आता है, पर मुसीबत तब आती है जब उनको बनाना नहीं आता। तो मेरे इस वीडियो में मैं यही सिखाऊंगी कैसे आसानी से आप गाजर का हलवा बना सकते। ऐसे कई सारे यूट्यूब पे तो वीडियो है वैसे भी, पर इस वीडियो में आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक करके सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो इसके लिए मैंने ये गाजर ली है, चीनी और उसमें दो इलायची के टुकड़े हैं, और ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो हम डालेंगे, और यहाँ पे दूध लिया गया है। जैसे कि हर हलवा हमारा तैयार होता है देसी घी से, तो हम यहाँ पे घी को गरम कर देते हैं और उसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल देते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये गाजर का हलवा है, तो इसको बनाने के हजारों तरीके हैं जिससे आप इसको बना सकते हैं, पर मैं तो यूजुअली कढ़ाई ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे कढ़ाई से बने हुए हलवा का ही टेस्ट अच्छा लगता है। कुकर से होता क्या है कि जब सीटी आती है तो वो दूध और जो घी होता है वो बाहर निकलने लगता है, और हमारा हलवा बनता ही है दूध और घी के साथ। तो पूरा अगर हलवे के अंदर का जो घी और दूध निकल गया तो फिर हम जब टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट उतना हमें अच्छा नहीं लगता है जितना कि एक नॉर्मल सी हम जब कढ़ाई में बनाते हैं उसका टेस्ट होता है, क्योंकि कढ़ाई से दूध और घी के बाहर निकलने की कोई संभावना ही नहीं होती है, हाँ अगर आप ठीक से मिक्स करें तो। वरना ऐसे ही अगर आप चलाओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि आपका दूध और घी जो है वो बाहर उछल उछल के निकलने लगेगा। तो ज़रूरी है कि आप अपना पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन हलवे के ऊपर रखें, कढ़ाई के ऊपर रखें, और अपने चलाने के तरीके के ऊपर रखें ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके, और जो हमारा दूध और घी होता है वो कढ़ाई के अंदर ही हो, ना कि बाहर गिरकर हमारे पूरे हलवे का टेस्ट बिगाड़ दे। तो यहाँ पे तो मैंने कढ़ाई में अभी तक दूध ऐड नहीं किया है क्योंकि पहले गाजर जो होती है उसको चलाना ज़रूरी होता है, और जब तक कलर चेंज ना हो तब तक चलाए, और जब थोड़ा कलर चेंज हो जाए इसको हम ढक के थोड़ी देर रख देंगे, और कुछ टाइम बाद जो हम इसको खोल के देखेंगे तो हमारी गाजर थोड़ी बहुत पक चुकी होंगी, उसको हम ठीक से वापस चलाना स्टार्ट करेंगे। जब मैंने इस हलवे को ढक के रखा था तो मैंने गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ा लो कर दिया था ताकि हमारा जो हलवा है वो नीचे से जले ना और चिपके ना। कढ़ाई में बनाने से आपकी मेहनत तो लगेगी, पर कुकर में बनाने से आपका पूरा कुकर खराब हो सकता है और मेहनत बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो अभी मैंने बहुत चला लिया, अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ दूध, और दूध को हमें गाजर की क्वालिटी को देख के डालना है। जब तक दूध ऊपर की तरफ दिखे ना तब तक हमें उसके अंदर डालते रहना है ताकि जब ये गाजर पके तो हमें ये दूध जो है वो ना दिखाई दे, तब हम समझ जाएंगे कि हमारा हलवा लगभग बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चला लेती हूँ ठीक से इसको, और आप सभी को तो पता ही होगा कि गाजर का हलवा इंडिया में इतना पॉपुलर है कि लोग कहीं पे भी हो कहीं से भी हो गाजर का हलवा तो ऑब्वियस सी बात है कि बनाते ही है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स ही इतने टेस्टी होते हैं, गाजर, दूध, घी, ड्राई फ्रूट्स, और इन सब के मिश्रण से हमारा बनता है गाजर का हलवा जो किसे पसंद नहीं आएगा। अभी मैंने चला दिया है तो इसको हम ढक के थोड़ी देर और रख देते हैं। कुकर में आप जल्दी सीटी ले सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ी देर के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा जो हलवा है उसके अंदर जो दूध था वो थोड़ा कम हो चुका है, तो इसको हम अच्छे से चला देते हैं। थोड़ा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी आपका टेस्ट अच्छा आएगा, तो थोड़ा सब्र रखिएगा और इसको ठीक से चलाइएगा, और कुछ टाइम बाद हमारा जो दूध है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आपको मतलब बार बार जैसे मैं चला रही हूँ वैसे ही चलाना है, पर आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको तब ज़रूर चलाना है जब आपको लगे कि गाजर का हलवा भी नीचे से कढ़ाई पे चिपक जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका हलवे के अंदर का जो दूध है वो गाजर अब्सॉर्ब कर लेगी, और इसको ऐसे ही चलाने पर आपका जो भी हलवे का जो टेक्स्चर है वो बदलने लगेगा और गाजर थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगेगी। इसका मतलब होता है कि गाजर पकने लगेगी, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें गाजर को उतना भी नहीं पकाना है कि वो पूरी की पूरी मेल्ट हो जाए, बस इतना कि हमें थोड़ा बहुत दिखे कि हाँ हमारा गाजर का हलवा पक चुका है,
इसके बाद जब ये पक जाएगा इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे वो ऐड कर देती हूँ और इसको वापस ठीक से मिक्स कर देती हूँ ताकि ये ड्राई फ्रूट जो है वो पूरे हलवे में मिक्स हो जाए। अगर आप ड्राई फ्रूट्स के लवर हो तो अपने हिसाब से क्वांटिटी रखिएगा। मुझे इतना ड्राई फ्रूट्स इस हलवे में क्वांटिटी के हिसाब से सही लगा तो मैंने इतना ही डाला है और इसको ठीक से मैंने मिक्स कर दिया है। तो चलाने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, और मैं ज़रूर बोलूँगी चीनी अपने क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा। आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो ज़्यादा डालिएगा, कम मीठा पसंद हो कम डालिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और ज़रूर टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा बीच में, क्योंकि अगर आपको इसमें अगर चीनी कम लगे तो आप फिर से ऊपर से इसका चीनी बढ़ा सकते हो और उसको ऐड करके ठीक से इसको मिक्स कर देना वापस। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी कि हलवा अगर फीका है तो उसको मीठा बनाया जा सकता है, पर अगर मीठा है तो उसको फीका कैसे करोगे आप। इसीलिए क्वांटिटी के हिसाब से आप चीनी रखिएगा, अगर आपको फीकी पसंद हो तो फीका रखिएगा, वरना और चीनी डाल के इसको ठीक तरह से आप मिक्स कर सकते हैं और हलवे को और ज़्यादा मीठा बना सकते हो। जैसे जैसे हलवा पकने लगेगा वैसे वैसे हमारा जो कढ़ाई में जो क्वांटिटी है वो कम होता जाएगा। और लास्ट में मैंने यहाँ इलायची का पाउडर लिया है, आप चाहे तो डालो वरना इसको स्किप कर सकते हैं, टेस्ट पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है, बस ये सुगंध देगा आपके हलवे को अच्छी तरह से। तो आखिर में हमारा गाजर का हलवा हो चुका है तैयार।